Yes, ma'am. Listen, hello everyone. Hope so all are in your class. As you know that this type of questions will always arise or coming in your exam. हमेशा आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी जो होता है वेल क्लास व्हाट यू विल डू. आपको केवल देखने में ये जितना हार्ड लगे बट सॉल्व करने में बिल्कुल आसान, बहुत ही इजी है. हाफ सपोज दैट इफ वी हैव टेकन फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर ए वी कैन राइट ए माइनस बी. ये बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है. तो बेस सेम पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी. एट क्लास अगेन वी कैन राइट एक्स टू द पावर बी माइनस सी, है ना, होल अपॉन बी प्लस सी माइनस ए. एंड दिस वन अगेन एक्स टू द पावर सी माइनस ए. And this is the c plus a minus b, है ना? This and plus बताओ इसमें क्या होता है? ये जब हम लोग करते हैं तो multiply में multiplication form में होता है ना, किसी को भी क्या क्या जाता है, a पर power n और a पर power n. तो वो how you can write a into n, है ना? Same thing we will write here is this h to the power a minus b into a plus b plus c, a plus b plus c. Again, x to the power b minus c, and b plus c minus a, and x to the power c minus a, c plus a minus b. We can write, and बहुत ही easy है. अब देखो, इसमें हमें दूसरा कोई उपाय नहीं है. अब सारे जो होते हैं क्या होंगे, ऐड होते हैं. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फार्मूला क्या लगा, ए टू द पावर एन और ए टू द पावर एन, बेस सेम, पावर विल बी ऐड, है ना, इन द मल्टीप्लिकेशन. बेस सेम होगा, पावर ऐड, क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट का यूज करके क्लास वी विल राइट हियर, that is the x to the power a minus b into a plus b plus c, and plus b minus c, and b plus c minus a, and x to the power c minus a, c plus a minus b. Clear? क्या होगा यहाँ पे? ये x के लिए एक साथ भी लिख सकते हो, अलग करके भी, डबल जैसे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं कर रहा था. ये c माइनस ए एंड c प्लस ए माइनस बी, है ना, क्लियर है? ये आपका आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, है ना, जो दिए जाते हैं जनरली. यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये यहाँ पे माइनस होगा, ये क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये क्या है, माइनस. क्लियर है क्लास? समझ में आ रहा है यहाँ पर? अब इसको क्या करना, सारा क्लास में आ गया, है ना, एक्स टू द पावर ए को उठाएंगे इसके साथ बड़ी जा रहे हैं, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, क्लियर है? माइनस बी से करेंगे, इसमें क्या होगा, माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द माइनस माइनस प्लस बी सी, क्लियर है? चलो अब इसका जो होता है, यहाँ से हम लोग चलते हैं. यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफर कर देता हूँ ग्रेड से, है ना, ये प्लस ये दूसरे पार्ट का होता है, क्या हो रहा है, दूसरे पार्ट का, है ना, इट्स अ डिफरेंट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू करें, क्लियर है? एंड दिस वन बी बी स्क्वायर बी सी, ये इसको उठा के इसके साथ, इसके साथ, है ना, एंड बी ए माइनस बी ए बी ए या ए बी, है ना,
प्लस प्लस माइनस 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 बीसी बीसी माइनस दोनों का हो गया। तो चलिए नेक्स्ट जो होता है यहाँ पे प्लस क्लियर है क्लास। यस एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि ये हो गया बी स्क्वायर बी सी एंड ए बी माइनस 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 प्लस सी क्लियर है प्लस है ना। यहाँ पे फिर रेड से कर देता हूँ ताकि ये पूरा हो गया प्लस एंड अगेन वे विल मूव अब नेक्स्ट सी 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 स्क्वायर और सी ए या ए सी यू कैन राइट एंड माइनस बी सी बी सी एंड दिस इज द माइनस ए सी ए सी एंड माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर एंड ए बी इट्स अ ए बी ए बी प्लस ए बी क्लियर है सारे हो गए हमने ऐड करे। अब देखो ये कैलकुलेशन जितना हमें आ रहा था आपको जबकि सीखना क्या होता है जब हम लोग सीख रखे होते हैं तो इजी होता है ये सब कोई हार्ड नहीं होता केवल क्या करना एक पे उठा करके सबके साथ मल्टीप्लाई किया क्लियर है या नहीं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस वाला कहाँ है लास्ट में ये कट गया ए बी प्लस वाला है माइनस वाला हमें चाहिए माइनस ए बी ए सी एक माइनस में है हमें लास्ट ए सी ये वाला ये और ये हो गया बी ए बी ए बी ए सर लास्ट लास्ट है ए बी या बी ए है ना। उसके बाद में बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी ये रहा सर पावर जीरो और एक्स पर पावर का वैल्यू होगा समझ में आया एक बार आप खुद से ट्राई करो उसका फिर नेक्स्ट कर लो। लिसन क्लास नाउ सेकंड क्वेश्चन हाउ यू कैन गो है ना जस्ट विद देम हाउ वी कैन राइट इट x टू द पावर 8 माइनस यहां क्या था माइनस माइनस की दिस वन वी कैन राइट और नॉट यस सर एंड क्लास दिस वन एंड दिस इज द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्लियर है इन टू ये कितना हो गया एक्स टू दी पावर बी माइनस माइनस सी क्योंकि माइनस में डिवीजन इट इज इन फॉर्म ऑफ माइनस है ना। सपोज दैट इफ यू हैव एक्स टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एन देन हाउ यू कैन राइट एक्स टू दी पावर एम माइनस है ये हम फार्मूला का यूज करते हैं इसका ठीक है इसी का यूज करते हुए क्लास वी विल यूज दिस फार्मूला एंड दिस इज द बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी क्लियर है एंड अगेन क्लास एक्स टू द पावर है ना सी माइनस माइनस ए है ना एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए क्लियर है या नहीं है हाँ है। तो क्लास लेट्स अगर ये है देन आपको याद आ रहा होगा एक फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड इज इक्वल एक्स टू द पावर बी प्लस सी and b square plus c square minus bc and x to the power c plus a c square plus a square minus c a आपको एक कोई फार्मूला देख के याद आ रहा है yes किसका a square minus b minus b b क्या होता है a b क्या होता है क्या होता a minus b into a square plus b square
माइनस प्लस ए बी है ना, और यहाँ पे ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आपको याद आ रहा है? यही दोनों में से कौन सा बताऊ? ये हाँ, तो नीचे वाला यही फार्मूला क्लास यूज होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन फार्मूला ऑफ दिस ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का ये करते हैं फैक्टराइजेशन का क्या है फार्मूला। क्लियर क्लास? सो नाउ आई विल रिपीट एंड अगेन क्लास, दिस इज इन द प्लेस ऑफ this we can write x to the power a cube plus b cube. Yes sir. B cube? Yes sir. A to x to the power a क्या हो गया? B cube. B cube plus c cube. लिख दो। Yes sir. A to x to the power c cube. C cube plus a cube. Plus a cube. A cube हो गया? Yes sir. अब plus ये some multiplication है और ये सिर्फ क्लास। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? x टू द पावर a कितना हो गया 2a³ + 2c³ एंड इफ सपोज दैट इफ वी विल टेक कॉलम टू दैट a टू प्लस b क्यू प्लस c क्यू क्लियर है? यस सर। ये अब यही हमें निकालना था, इट्स अ r r और यहाँ से हम लोग कहाँ से चले हैं से और आर एच एस।